हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज जो हम अपनी यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे और आज जो हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिकल फार्मास्यूटिकल सेकंड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, तो इसकी यूनिट फर्स्ट हमारी है कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। तो इसका जो हम सारा कुछ जो है धीरे धीरे कवर कर लेंगे और आज से जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर वीडियो लेक्चर आपको डेली मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में जो है जो हम इसका एक इंट्रो वीडियो भी बना चुके हैं वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत जल्द जो हम इसका सिलेबस भी सारा कवर कर लेंगे। तो आज हम समझेंगे कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में, देन इसकी क्लासिफिकेशन। तो दो टॉपिक जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, देन हम इसकी क्लासिफिकेशन, दो टॉपिक आज के जो हम अच्छे से कवर करेंगे। और ऐसे कवर करेंगे ना, इसका बेस आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको शायद फिर कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भूलेंगे ही नहीं उस चीज को। सबसे पहले ना हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी समझने के लिए, बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। तो इस वर्ड से हम अच्छे से, मतलब बहुत बार हमारा जनरल टर्म है ये, सॉल्यूशन के बारे में सभी लोग जानते होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि दो चीजें हमारे मिलके क्या बनाती है, सॉल्यूशन। इसमें हमारा सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में होता है, मतलब लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारा ज्यादा में होता है, और सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में जाके डिजोल्व होके और हमारा क्या बनाता है, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये समझिए मैंने आपको दी एक चम्मच चीनी, अब मैंने उसको कहा आपको कि पानी में आप इसको अच्छे से मिलाओ, आपने क्या किया, सॉल्यूट आपने यहाँ पे लिया, उसको आपने यहाँ पे डिसॉल्व किया सॉल्वेंट यानी कि पानी में, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन, जनरल मैंने बताया। फिर हमारे ये दो तरह से होते हैं, होमोजीनियस देन हेटरोजीनियस। होमोजीनियस में हमारा क्या होता है, सिंगल फेस होता है, यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन है ना वो हमारा एक सिंगल फेस में होगा, और हेटरोजीनियस में क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा डबल फेस में होगा। अब ये सिंगल फेस डबल फेस क्या, इसको हम समझते हैं। तो लेट कीजिए यहाँ पे कि वही मैंने आपको दिया चीनी का सॉल्यूशन बनाने के लिए, शुगर सॉल्यूशन, आपने एक चम्मच चीनी डाली, फिर आपने उसका जब डिसॉल्व किया अच्छे से, तो ऐसा आप देखेंगे कि चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये हमारी चीनी है छोटी छोटी पार्टिकल, तो इसका जो इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल होगा ना वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम उसको जो सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर हम उसको ऐसे देखेंगे तो उसमें जो हमारी चीनी जो है वो दिखेगी नहीं, यानी कि उसके जो पार्टिकल है वो विजिबल नहीं होंगे, यानी कि वो अच्छे से क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे क्या है, नॉट विजिबल है, यानी कि जो हमारा होमोजीनियस है सिंगल फेज है और इसके जो सॉलिड पार्टिकल है वो हमारे क्या है, नॉट विजिबल है। अभी आप ये समझिए ये हमारा कनेक्ट होने वाला है कोलोइडल डिस्पर्जन से, ठीक है। देन हमारा दूसरा आता है हेटरोजीनियस, ये हमारा क्या होता है, डबल फेज। तो इसमें आप ये समझिए कि ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये हमारे सॉल्वेंट है, हमने वाटर ही ले लिया सिंपल, इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूट को यहाँ पे मिक्स किया, तो सॉल्यूट के नाम पे हमने यहाँ पे ले लिया चौक पाउडर, होता है हर मतलब क्लासरूम में होती थी पहले चौक, उसको आप समझिए हमने मिक्स कर लिया, पाउडर बना लिया, उसको जब हम यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हैं, देन क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पार्टिकल हमारा अच्छे से इसमें पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और जो पार्टिकल्स है ना व्हाइट व्हाइट वो हमको यहाँ पे पूरे में दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझ, मैंने ब्लैक से डोनेट किया ब्लैक पेन, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे ये हमारा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, और हम इजिली देख के बता सकते हैं कि ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल है। तो ये हमारा कहलाता है हेटरोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर या हेटरोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब क्या है, एक से अधिक फेज जिसमें हो, दो या दो से अधिक फेज, देन तो ये चीज हमारी होती है, इसमें हमारा ये विजिबल नहीं होता। अब एक ऐसी कंडीशन आती है, ये समझो कि मतलब ये बात हमारी हो गई यहां पे कि होमोजीनियस है, इसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल विजिबल नहीं है, हेटरोजीनियस है, इसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल विजिबल है। अब आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आती है कोलोइडल सॉल्यूशन वाली, इसमें क्या है कि हेटरोजीनियस है हमारा जो सॉल्यूशन है, लेट करो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन है ये हमारा मतलब सॉल्यूशन तो है, हेटरोजीनियस है, लेकिन इसके जो अंदर जो पार्टिकल्स है हमारे सॉल्यूट के वो हमारे क्या है, विजिबल नहीं है, मतलब वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि हम इसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आप सिंपल समझो कोलोइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन, जो हमारा सिलेबस में दे रखा है, तो ये दो नाम हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दो चीज हमारी मिल रही है, उसके बाद जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल है ना वो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देते, होमोजीनियस की तरह इसमें मतलब प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, हमारा हेटरोजीनियस। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल है ना, इनके जो साइज है वो हमारे लगभग एक माइक्रोन से छोटे होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो एक नैनोमीटर से और एक माइक्रोमीटर तक, यानी कि अगर हम ये चीज बहुत लोग भूल जाते हैं, एक माइक्रोन में यानी कि एक माइक्रोमीटर में हमारे 1000 नैनोमीटर होते हैं, माइक्रोन माइक्रोमीटर ये दोनों सेम होते हैं, और एक माइक्रोमीटर के अंदर हमारे 1000 नैनोमीटर होते हैं, और इसकी जो रेंज होती है इसके अंदर जो मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल है वो हमारे लगभग एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इतने बीच के होते हैं। अब अगर आपको याद हो माइक्रोबायोलॉजी में ने स्टडी किया था अच्छे से कि बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो लगभग एक माइक्रोन उससे छोटा होता है करीब, है ना, यही साइज का होता है ना,
तो वो जो बैक्टीरिया हमको दिखाई तो देता नहीं है, कभी ऐसे नहीं देखा होगा, उसको हम क्या करते हैं किसी माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो वही आप समझिए कि यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स आए थे वो भी लगभग हमारे बैक्टीरिया जितने छोटे हैं, तो वो भी हमको क्या है ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं आंखों से, इनको देखने के लिए भी हमें क्या लगेगा माइक्रोस्कोप लगेगा। तो यही हमारे कहलाते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन, मतलब आप समझ गए होंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनका साइज हमारा 1 माइक्रोन से छोटा है, जिस वजह से क्या होगा वो हमारे इसमें मिक्स हैं लेकिन वो हमको ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, वो हमको दिखाई देता है होमोजीनियस की तरह, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है हमारा एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, जिसमें हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो हमारे 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे की कुछ बातें, क्योंकि ये तो हमने जनरल सॉल्यूशन की टर्म में समझा, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है सारा कुछ है वो हमारा होगा डिस्पर्ज फेस। डिस्पर्जन वो क्या चीज है वो समझते हैं। तो ये हमारा क्या था सिंपल सॉल्यूशन, सॉल्यूट पार्टिकल हमने सॉल्वेंट में मिलाया और हमारा बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूट है ना एक्चुअल में जिसको हम मिक्स करना चाह रहे हैं, जिसको हम मिला रहे हैं, वही हमारा कहलाता है डिस्पर्ज फेस। ये आपको याद रखना है, ये हमारा हो गया डिस्पर्ज फेस। देन जिसमें हम इसको मिक्स कर रहे हैं यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमारा कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा हो गया डिस्पर्ज फेस और ये हमारा हो गया डिस्पर्ज मीडियम, और इन दोनों को मिलकर बनता था सॉल्यूशन, और इन दोनों को यहां पे इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये मिलकर हमारा तैयार करते हैं एक डिस्पर्ज सिस्टम, और जिसको ही हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम ना कोलोइडल डिस्पर्जन। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक क्या था कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होते हैं, ये हमारा चैप्टर मतलब क्या है कि डिस्पर्ज फेस हमारा डिस्पर्जन मीडियम में आके मिल रहा है, यानी कि जनरल टर्म में देखें सॉलिड हमारा सॉल्वेंट में आके मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहा है, वही है जहां पर डिस्पर्ज फेस है ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम में आके एक डिस्पर्ज सिस्टम बना रहा है, और इसी डिस्पर्ज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं अपना कोलोइडल डिस्पर्जन। शर्त क्या है इसकी कि जो हमारा डिस्पर्ज फेस है इसके जो पार्टिकल का साइज है हमारा वो हमारा लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होना चाहिए, ना इससे बड़ा होना चाहिए ना ही इससे छोटा होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। दो बातें और जान लो कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है ना इसी को कहीं कहीं बुक्स में या कहीं भी मतलब एग्जाम वगैरह कहीं पे भी कंटिन्यूअस फेस भी बोला जाता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होगा कंटिन्यूअस फेस करके लिख देंगे और आप समझेंगे ये क्या नई चीज आ गई, तो कहीं कहीं ऐसा आपको मिलेगा कि डिस्पर्ज फेस इज डिस्पर्ज इन द कंटिन्यूअस फेस, यानी कि डिस्पर्ज फेस हमारा वो कंटिन्यूअस फेस के अंदर मिक्स होता है, तो आप कंफ्यूज आओगे, तो कंटिन्यूअस फेस हमारा यही वाला फेस होता है डिस्पर्जन मीडियम वाला। तो अब अगर हमारी डेफिनेशन बनाई जाए तो डेफिनेशन हमारी फॉर्म होती है कि कोलोइडल डिस्पर्जन बराबर हमारा क्या होता है डिस्पर्ज फेस प्लस डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर नोट्स की बात की जाए यहाँ पे तो इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, वही मैंने बताया हेट्रोजीनियस है विच इज मेड अप ऑफ अ डिस्पर्ज फेस एंड अ डिस्पर्ज मीडियम, मतलब दो चीजों के साथ मिलकर बना हमारा डिस्पर्ज सिस्टम हो गया, डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्ज मीडियम दो चीजों से मिलकर। शर्त क्या थी हमारी कि ये हमारे जो पन सबस्टांस है वैसे वही मैंने लिखा डिस्पर्ज हो रहा है हमारा वेरी फाइन पाउडर की तरह, यानी कि इनका जो साइज होगा हमारा वो होगा हमारा लगभग 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोन तक, यानी कि 1 नैनोमीटर में हमारे 1000 नैनोमीटर होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में सॉरी, मतलब रेंज हमारी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है और 1 माइक्रोन में हमारे 1000 नैनोमीटर होते हैं, ये चीज आपको यहां याद रखनी है। एग्जाम्पल समझो जैसे हमारा ग्लू हो गया, स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, जैसे आप ये समझो ये हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन है, इसमें हमने यहां पे मिक्स किया तो ये छोटे छोटे, वैसे ये विजिबल नहीं होते, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पे ये छोटे छोटे बना रखे हैं, ये हमारे कहलाते हैं डिस्पर्ज फेस और ये हमारे होते हैं डिस्पर्जन मीडियम। अब अगर हम कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल देखें तब आप इसको कैसे समझेंगे, तो जिस भी रूम में आप अभी बैठे होंगे वहां पे हमारी क्या प्रेजेंट होगी एयर प्रेजेंट होगी, तो इस छोटे छोटे बहुत ही माइनर से पार्टिकल वेरी स्मॉल पार्टिकल हमारे हमेशा ऑलवेज एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारी एयर का पूरा सॉल्यूशन अगर हम इसको बोलें तो ये हमारा क्या होता है एक डिस्पर्जन होता है कोलोइडल डिस्पर्जन। अगर आप इस वर्ड को भी तोड़ लो, इस वर्ड को भी हमने नहीं समझा, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव, मतलब क्या होता है अगर हम इंग्लिश में समझे इसको होता है स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, तो मतलब ये समझो कि हमारी पूरी इतनी एयर है और इस पूरी एयर के अंदर हमारे जो छोटे छोटे मेरिकल माइनस जो पार्टिकल है वो हमारे क्या हो चुके हैं स्प्रेड हो चुके हैं फैल चुके हैं, मतलब वो पूरे रूम में अच्छे से एक एक एयर पार्टिकल के यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं, तो यही हमारे कहलाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है मिक्स होना नहीं होता, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना स्प्रेड होना, यानी कि जो हमारे ये सॉल्यूशन है यहाँ पे ये हमारे मिक्स तो हो ही नहीं रहे हैं, मिक्स हो जाते तो होमोजीनियस हो जाता, मिक्स नहीं है बल्कि ये क्या है डिस्पर्ज्ड है यानी कि पूरे में फैले हुए हैं, यही हमारा कहलाता है। एग्जाम्पल एक आपने अगर मिल्क देखा होगा तो मिल्क तो हर कोई पीता है, तो मिल्क आपको जो लगता है ना कि ये होमोजीनियस होता है एक्चुअल में ये हमारा एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है और मिल्क हमारा एक इमल्सन होता है। इमल्सन सबने जाना होगा ऑयल और वाटर यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, तो कुछ कुछ इसमें जैसे आपने देखा होगा घी बन जाता है हमारा, आपने देखा होगा ना घी बन रहा है बटर बन रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी किससे बन रही है मिल्क से बन रही है, तो मिल्क हमारा सिंगल फेस तो है ही नहीं ना, तो वो क्या हमारा एक इमल्सन होता है। मॉइस्चर आपने सबसे अच्छा धुआं देखा होगा, धुआं
फॉग देखा होगा, तो आपने जगह जगह देखा होगा व्हाइटिश कलर का दिखता है, तो आपको लगता होगा ये एक सिंगल फेस है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में उसके बहुत माइनर से पार्टिकल भी होते हैं अलग अलग, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, धुआं बनाते हैं। क्लाउड बादल देखे होंगे, तो जब बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा, तो जो बादल हमारे फॉर्म होते हैं ना, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉइस्चर के पार्टिकल एयर के साथ मिलके क्लाउड फॉर्म में इस तरह फॉर्म हो जाते हैं, और जब मतलब ज्यादा इन पर प्रेशर पड़ता है ये हमारे बरस जाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाउड। तो ये हमारे कुछ रियल लाइफ के हमारे थे कोलोइडल डिस्पर्जन के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन। यानी कि अब तक आप समझ गए होंगे हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। तो आपने एक जनरल, अगर आपने बात सोची हो किसी ने कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कोलोइडल। अब कोई कहे कि 1 नैनोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल क्या होते हैं और 1000 नैनोमीटर से बड़े वाले, यानी कि इसकी ये रेंज तो हमारी आ गई, लेकिन इससे कोई छोटे भी होंगे इससे बड़े भी होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ सिंपल है कि जो पार्टिकल हमारे 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, मतलब ये हमारा डिस्पर्स फेज है, पूरा का पूरा डिस्पर्स सिस्टम है, इस डिस्पर्स सिस्टम के अंदर ये हमारे डिस्पर्स फेज है, ये हमारे डिस्पर्जन मीडियम है। अब जो डिस्पर्स फेज है इसके पार्टिकल का साइज अगर हमारा 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच हो तो हमारा हो गया कोलोइडल। अब अगर ये 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो गए, मतलब समझो बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए ये हमारे, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा छोटे हो गए 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल, तो वो हमारी कहलाती है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। यानी कि अगर ये सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज ये है, ये हमारे अगर 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे तो ये हमारे कहलाते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अब मैं कहूँ 1000 नैनोमीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर, इस 1 माइक्रोमीटर से अगर 1 माइक्रोमीटर से भी अगर ऊपर, यानी कि इससे बड़े जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनके जो साइज के होते हैं ये हमारे कहलाते हैं कोर्स डिस्पर्जन। यानी कि अगर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज अगर 1 माइक्रोन से ज्यादा हो, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो, यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तो ये हमारा सॉल्यूशन कहलाता है कोर्स डिस्पर्जन। यानी कि अगर हम बेसिक टाइप देखें इसके, या फिर हम देखें जनरल क्लासिफिकेशन देखें यहाँ पे, तो ये हमारे 3 तरह से बनते हैं, एक मॉलिकुलर डिस्पर्जन, एक कोर्स डिस्पर्जन, देन हमारा थर्ड बनता है हमारा यहाँ पे कोलोइडल डिस्पर्जन, जो हम अभी पढ़ रहे थे मेन डेफिनेशन। मॉलिकुलर में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल साइज है वो हमारा 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, मैंने आपको अभी बता दिया। इसके एग्जांपल हमारे सबसे बड़ी बात क्या है, इतने छोटे होते हैं ना, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा था हमारे माइक्रो में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और वो हर किसी को दिखाने की दम रखता है। लेकिन ये वाले जो पार्टिकल होते हैं ना मॉलिकुलर, ये हमारे इतने छोटे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसे देख नहीं सकते हैं। बाकी जो हमारी सबसे पतली लेयर होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, सेल्स के अंदर होती है, तो ये वाले जो पार्टिकल ये इतने छोटे होते हैं कि ये इस वाली मेम्ब्रेन को भी अच्छे से क्रॉस कर जाते हैं। सिंपल, तो ये बहुत ज्यादा माइनर होते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन हो गया, ग्लोबल मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट में जितनी गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, अदर गैसेज हो गई, ये सारी हमारी किसकी एग्जांपल है, मॉलिकुलर डिस्पर्जन की। दूसरा हमारा कोर्स डिस्पर्जन है, तो यही मैंने बताया जिसके पार्टिकल साइज हमारी 1 माइक्रोमीटर से यानी कि 1 माइक्रोन से बड़े होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं यहाँ पे, ये मैंने बताया कोर्स वाले 1 माइक्रोन से ज्यादा होगा ये वाला पार्टिकल, तो ये हमारे कहलाते हैं कोर्स डिस्पर्जन। और इसको जो है हम, ये मतलब बड़े पार्टिकल है, तो इसको जो हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यानी कि जनरल माइक्रोस्कोप आपने देखे होंगे उनमें अभी हम इसको जो है इजिली देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। दूसरा क्या है कि जो हमारा फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, उसमें अभी ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्रॉस, मतलब इसमें अटक जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। यानी कि अगर हम फिल्टर करते हैं इन वाले मटेरियल को, जो हमारा ये सॉल्यूशन है, अगर ये हमारा कोर्स डिस्पर्जन का सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसको फिल्टर करेंगे किसी फिल्टर मीडिया की मदद से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल साइज है वो इस पे रह जाएंगे और जो हमारे नीचे वाले पार्टिकल वो हमारे निकल जाएंगे। बाकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को तो ये वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्रॉस, क्योंकि ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी फंस जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे अंडर ग्रेविटी क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं डिस्पर्स। जैसे आप सिंपल समझो, जैसे मैंने जो सस्पेंशन आपको बताया ना, ये वाला चौक पाउडर जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाया था, तो जो हमारा चौक पाउडर है ना, ये भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो हमारा चौक पाउडर है, ये भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है कि अगर हम इसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, तो जो हमारे जो पार्टिकल है इसमें नीचे हमारी पूरी की पूरी चौक यहाँ पे बैठ जाएगी और ऊपर हमारा लिक्विड अलग हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारा कोर्स डिस्पर्जन का। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है कोलोइडल डिस्पर्जन। ये हमने अभी पढ़ी लिया अच्छे से, क्या होता है कि ये वो डिस्पर्जन होते हैं जिसके जो पार्टिकल साइज है वो हमारा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और इसको जो हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो हमारे जनरल होते हैं उनसे हम इनको नहीं देख सकते, क्योंकि 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं, तो बहुत ज्यादा साइज के हो गए, छोटे हो गए, तो इसको जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इजिली देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका भाई हमारा हो गया मिल्क हो गया, फॉग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
तो वो हमारे बेसिक थे। अब हम आते हैं अपनी जनरल टर्म पे, जान के अगर कोई आप क्वेश्चन वगैरह आता है क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे डिस्पर्ज सिस्टम हमारा दो चीजों के बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा, एक हमारा डिस्पर्जन फेज और एक हमारा डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हमारे डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम क्या थे जो हमने यहाँ पे समझ ही गए थे कि ये हमारा अगर सॉल्यूशन है तो ये इसमें जो छोटे छोटे पार्ट है हमारे यानी कि जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्पर्ज फेज हो जाएगा, और जो हमारे इसके अंदर सॉल्यूशन है सॉल्वेंट है वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। तो इन दो के बेस पे बाकी हमारे फिजिकल स्टेट के बेस पे ये हमारे टोटल 8 पार्ट में डिवाइड है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, अब हम यहाँ पे सिंपल तो वही हमारी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब क्या मैंने बताया कि ये चीजें आपस में मिक्स होंगी अगर तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तो उन्हीं के बेस पे ये हमारे टोटल 8 भागों में डिवाइड किए जा रहे हैं। 9 में वैसे 9 होने चाहिए थे लेकिन 8 हो रहे हैं, इसको मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे तो पहला हमारा यहाँ पे ये समझो आपको याद करने का सिंपल ये है कि आप क्या करो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस इस फ्लो में चलो सॉलिड लिक्विड गैस, फिर आपने यहाँ पे सॉलिड ले लिया यानी कि डिस्पर्ज फेस, यानी कि इस टाइम पे जो हमारा डिस्पर्ज फेस है यहाँ पे वो हमारा क्या है सॉलिड है, और जो हमारा मीडियम है वो भी हमारा क्या है सॉलिड है। जैसे आप जनरल एग्जांपल ये समझो एक, तो ये हमारा क्या एक सॉल्यूशन है, ये मैंने बड़े बना दिए वैसे तो बहुत छोटे होते हैं 1 माइक्रोन से भी, तो ये हमारा हो गया डिस्पर्जन फेस और ये हमारा हो गया डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है ये एग्जांपल समझो, अब हम इसी के बेस पे यहाँ पे समझते हैं। पहला हमारा क्या है डिस्पर्ज फेस यानी कि जो हमारा ये मिक्स हो रहा है ये हमारा सॉलिड है, बाकी ये मिक्स भी हमारा किसमें हो रहा है सॉलिड यानी कि डिस्पर्जन मीडियम भी हमारा क्या है सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या है सॉलिड सोल यानी कि सॉलिड सोल होते हैं, और इसका एग्जांपल एक कोलोइडल गोल्ड होता है। दूसरा हमारा क्या है लिक्विड इन सॉलिड यानी कि यहाँ पे लिक्विड जो हमारा हो गया यानी कि जो डिस्पर्ज फेस होगा वो हमारा लिक्विड होगा, डिस्पर्ज मीडियम होगा वो हमारा क्या होगा सॉलिड होगा, और ये होते हैं जेल्स। आपने जेल वगैरह देखे होंगे जेली टाइप जो होते हैं हमारे, एग्जांपल जैसे बैक्स है तो बैक्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बैक्स हमारा एग्जांपल किसका होता है सॉलिड इन लिक्विड का, यानी कि ये भी एक हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन होता है जिसमें हमारा लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर मिक्स होता है। तीसरा हमारा क्या है गैस इन सॉलिड, तो ये हमारे सॉलिड फोम होते हैं यानी कि फोम रबड़ हो गई यानी फोम टाइप आपने देखे होंगे फोम वगैरह कुछ क्रिएट हो जाते हैं उसी तरह से। फिर हमारा क्या आता है चौथा यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड यानी कि सॉलिड जब हमारा लिक्विड में मिक्स हो रहा है ये हमारे सॉल्ट होते हैं, जैसे मोस्ट पेंट आपने पेंट वगैरह देखे होंगे थोड़े मॉइस्चर टाइप के जो पेंट होते हैं कलर वगैरह वाले, बाकी प्रोटीन वगैरह वो हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। देन हमारा आता है लिक्विड इन लिक्विड, तो ये हमारा इमल्शन आपने देखा होगा मिक्स मिलके यानी कि ये हमारे दो अलग अलग फेज होते हैं लिक्विड इन लिक्विड मिक्स होकर कोलोइडल डिस्पर्जन बनाता है। देन हमारा यहाँ पे छठा आता है गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड में क्या होता है फोम होता है, ये हमारा एग्जांपल हो गया सोडा वाटर देखा होगा आपने, इसमें मतलब लिक्विड आपने देखा उसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स आपको दिखाई देते हैं, आपने देखे होंगे ना कभी कभी जैसे आपने ये सोडा की पूरी बोतल देखी हो पूरा लिक्विड इसमें हल्के हल्के आपको इस तरह के बबल्स दिखाई देते हैं वो हमारे किसके होते हैं गैस के बबल्स होते हैं। तो यही हमारा एग्जांपल क्या होगा सोडा वाटर का गैस इन लिक्विड। देन हमारा आता है सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड गैस में हमारा एरोसोल बन जाते हैं सॉलिड के, और धुआं स्मोक हो गया जो हम स्मोक करते हैं उसमें क्या है मतलब गैस होती है पूरी लेकिन उसमें सॉलिड के बहुत ही ज्यादा माइनर पार्टिकल होते हैं सॉलिड के और वो हमारे कहलाते हैं स्मोक। फिर हमारा आता है लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड गैस में क्या होता है फॉग, यही धुआं आपने देखा फॉग मतलब, और क्लाउड बादल वगैरह बनते हैं, तो बादल में क्या होता है लिक्विड यानी कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर के पार्टिकल होते हैं, मैंने आपको बताया लिक्विड के मॉइस्चर पार्टिकल, और वो हमारे क्या होते हैं गैस के अंदर जाके मिल जाते हैं यानी कि गैस यानी कि हम बोल सकते हैं एयर, एयर भी क्या होता है हमारा गैस का ही कंटिन्यू होता है। तो ये हमारे यहाँ पे होगा इसके टोटल 8 तरीके। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे कि गैस इन गैस क्यों नहीं बनता, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे तीनों फेज आ चुके हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, देन हमारा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, देन हमारा गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। तो इन 8 तरीके आ गए लेकिन एक हमारा रह गया वो हमारा होता है गैस इन गैस। ये हमारा क्यों नहीं फॉर्म हुआ, क्योंकि गैस हमारी आपको पता है गैस हमारी एक ऐसा कंपाउंड होता है अगर उसमें दो गैस आपस में मिल जाए ना तो वो कभी हेट्रोजीनियस हो ही नहीं सकती, क्योंकि गैस आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और वो मिक्स करके क्या बनाती है होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाती है। और हमारी कोलोइडल सॉल्यूशन की पहली शर्त क्या थी कि हमारा कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हेट्रोजीनियस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाले जो कंपाउंड है ना इसको आप अच्छे से याद कर लेना, और मैं याद करने का तरीका यही बताऊंगा सॉलिड लिक्विड गैस, देन हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, देन हमारा सॉलिड लिक्विड। तो आप इस तरह लिख लेना ये चार्ट बना, चार्ट की फॉर्म में आप याद करेंगे आपको अच्छे से हो जाएगा, सीरियल नंबर, डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम, फिर जो हमारा सिस्टम का नाम होगा कोलोइडल सिस्टम का नाम, फिर एक एक एग्जांपल, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, देन हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, देन हमारा सॉलिड लिक्विड, उसके बाद यहाँ डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तीन में फिर हमारा लिक्विड 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 आएगा, फिर हमारा गैस गैस आ जाएगा। तो सिंपल है, अगर आप एक बार इसको बना के देखेंगे, नोट डाउन करके देंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो समझ आ गई होगी, बाकी कैसा लगा आपको, समझ आया कि नहीं आया ये सब आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। नहीं मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा हमको ये जानने कैसा आप मतलब रिव्यू है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसके आगे के जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे।
बाकी नोट्स की बात की जाए तो नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर रेगुलर हम अपडेट करते रहेंगे धीरे धीरे, carewellpharma.in लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां आप जाएंगे, मतलब नोट्स वगैरह हम जो है इसमें अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट वाइज आपको जो है मिलने लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके हमको जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड वेलकम टू फोर्थ सेमेस्टर।